पहली सभा किया मलाड में, बड़ी सभा थी, पूरा हिंदी भाषी समाज इकट्ठा हुआ। इसके बाद हम लोग काशी विद्यापीठ में बड़ी सभा हुई जिसमें छन्नू महाराज, काशीनाथ सिंह जी ऐसे लोग शामिल हुए। ये सब प्रतिबद्ध लोग हैं। अब तक देश के 25,000 बड़े लोग, जिनमें सैकड़ों तो पत्रकार हैं, संपादक हैं, बड़े गायक हैं, 25,000 लोगों ने दस्तखत करके इस अभियान का विरोध किया है। हम जो ज्ञापन मुख्यमंत्रियों को दे रहे हैं उसमें 25,000 टॉप मोस्ट लोगों के दस्तखत हैं। तो आज बहुत बड़ी घटना है हमारे लिए, इस आंदोलन के लिए फेडरेशन का शामिल होना और फेडरेशन का ये अनाउंस करना कि आगे अगर कोई मेंबर गलत कर रहा है तो उसको फेडरेशन से बाहर किया जाएगा। ये बड़ी घटना है। फिल्म इंडस्ट्री के भीतर से आवाज़ उठना, मैं फेडरेशन का जीवन भर के लिए ऋणी हूँ। हम इसी महीने 4 कोर्ट्स में जा रहे हैं, हाई कोर्ट में, बम्बई हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, रांची हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फेडरेशन की तरफ से, पूर्वांचल विकास प्रतिष्ठान की तरफ से, डॉक्टर शोमा घोष की तरफ से और संभवतः 99% शारदा सिन्हा जी की तरफ से, ये 4 व्यक्तियों की साझा अपील, एक फेडरेशन, एक संस्था और 2 व्यक्ति पर्सनल, जो चारों जगह पे हम लोग ये फाइल करने जा रहे हैं। पहली तारीख से, 1 जनवरी से जो भी फिल्म रिलीज होगी उसकी हम एक लोक समीक्षा कराएंगे किसी बड़े पत्रकार से, किसी बड़े साहित्यकार से, किसी बड़े संगीतकार से, और अगर उन्होंने कहा कि इसमें अश्लीलता का जरा भी कोई, एक चीज़ का आप ध्यान रखें, सेंसर बोर्ड क्यों बना है, लोक मर्यादा का उल्लंघन न हो, ये पहली शर्त है, तो हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स पे तय करेंगे कि क्या उसका पालन किया गया है और नहीं किया गया है, और नहीं किया गया है तो हम उसका प्रबल और प्रखर विरोध करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये आंदोलन में फिल्म उस पूरे अभियान का एक हिस्सा है। ये म्यूजिक एल्बम्स, वीडियोस, पिक्चर वीडियोस, ऑर्केस्ट्रा डांसेस, सबके खिलाफ ये अभियान चल रहा है। फिल्म उसका एक हिस्सा है, और फिल्म उसका बड़ा हिस्सा इसलिए कि फिल्म मदर है, जो ऑर्केस्ट्रा में हो रहा है, डांस पे हो रहा है, मंच पे हो रहा है, फिल्म उसकी मदर है। भोजपुरी को हमने इसलिए चूज किया है कि इस समय भोजपुरी में सबसे ज़्यादा अश्लीलता है, पहले कई और जगहों पे होती थी लेकिन ये पराकाष्ठा पर है, चरम पर है। समाज में द्वेष पैदा हो रहा है, औरतों की अस्मिता पर हमला हो रहा है, बच्चों के यौनिक समझ क्या बनेगी उन बच्चों का जो ऑर्केस्ट्रा डांसेज में शामिल हो रहे हैं। तो महाराष्ट्र ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया, देश के लिए मानक है महाराष्ट्र समाज सुधार की दिशा में, और बड़ा अच्छा कानून बनाया है जो डांस बार पे प्रतिरोधी कानून उन्होंने लागू किया है। इसी कानून को आधार बना के उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया है। इसके बाद हम बिहार सरकार से भी मिल रहे हैं, झारखंड सरकार से भी मिल रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी जा रहे हैं, सेंटर में इसी महीने जा रहे हैं, और इसको एक बड़ा अभियान बना रहे हैं। ये अभियान बहुत नए तरीकों से होगा, जनचेतना जगाते हुए होगा। हमारी सबसे बड़ी कोशिश है कि हम जनचेतना जगाएं, और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ मित्रों कि फेडरेशन का सपोर्ट मिलना इस आंदोलन की उतनी ही बड़ी उपलब्धि है जितनी इस आंदोलन में देश के चुनिंदा 25,000 लोगों का अभी तक शामिल हो जाना। और ये जो पिटीशन बन रही है, छन्नू महाराज की तरफ से बन रही है, काशीनाथ सिंह जी की तरफ से बन रही है, विश्वम्भरनाथ मिश्र जी की तरफ से बन रही है, ऐसे लोगों की तरफ से बन रही है, चंद्रकांत जी की तरफ से बन रही है, कृपाशंकर सिंह जी की तरफ से बन रही है, ऐसे पूर्वांचल के गिने चुने संपादकों, गिने चुने पत्रकारों, गिने चुने लेखकों, साहित्यकारों, प्रोफेशनल्स, इनकी तरफ से बन रही है। ये देश की एक मानक रेट पिटीशन फाइल हो रही है, और हम जा रहे हैं आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू लाइफ के तहत। लेकिन हम सवाल सिर्फ औरतों की लाइफ के और बच्चों के लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम भाषा के लाइफ की, साहित्य के लाइफ की, ट्रेडिशन के लाइफ की, कल्चर के लाइफ की, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत और धरोहर थी, परफॉर्मिंग आर्ट्स की बहुत बड़ी धरोहर थी हमारी, उसकी ज़िंदगी की भी हम पैरवी कर रहे हैं कि उनकी भी ज़िंदगी बचेगी, उनको भी कोई अधिकार होगा कि नहीं। हमारी पिटीशन का पहला बिंदु यही है कि हमने सरकार का ध्यान खींचा है कि अभी खेसारी लाल यादव पे हमला हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, पूरा बिहार बंद किया गया, और छपरा में और कई जगहों पे हाईवे जाम किए गए और ट्रेनों पे पथराव हुआ, उसके बाद पवन सिंह पे हमला हुआ। सवाल केवल उन हमलों का नहीं है, उसमें प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, हम उसमें नहीं उलझना चाहते, लेकिन समाज में केवल वही नहीं हो रहा है, सीवान में, आरा में, छपरा में, बलिया में, गाजीपुर में, आजमगढ़ में, जौनपुर में, हर जगह 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 प्रतिरोध हो रहे हैं, जगह जगह विरोध हो रहा है, जगह जगह पदयात्राएं हो रही हैं,
जगह जगह लोग निकल रहे हैं। पूर्वांचल विकास प्रतिष्ठान ने तो सबको कोऑर्डिनेट किया है, सबके साथ एक जोड़ संबंध बनाया हुआ है। जैसे ये गायक अवनीश तिवारी जी बैठे हुए हैं, ये हर जगह जाकर के, ऐसे राकेश तिवारी, ऐसे कई गायक हैं जो मंच पे जाकर गाने से पहले बोल रहे हैं कि अश्लीलता बंद कीजिए, अश्लीलता गलत है और हम कोई अश्लील नहीं करेंगे। कल एक बड़ी घटना हुई छठ के पर्व पे, परसों कृपाशंकर सिंह जी माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री, वो छठ के जितने मंच होते हैं जुहू पे, चारों मंचों पे गए और उन्होंने अपील किया लोगों से कि आप ऐसा न करें, कोई भी अश्लील गाना न गाया जाए, कोई अश्लील गीत न लिखा जाए, कम से कम पर्वों पर तो कोई अश्लील चीज़ आप न बजाएं। आप कल्पना करिए कि लाखों लोग तालियां बजाते रहे, कई कई मिनट तक तालियां बजती रही चारों मंचों से, उन्होंने कहा। और इसके बाद आपने एक चीज़ और गौर किया हो, खेसारी लाल यादव का क्या बयान आया और पवन सिंह का क्या बयान आया है कि हम अश्लीलता के खिलाफ हैं, अब हम अश्लील नहीं करेंगे। निरहुआ ने परसों मंच पर कहा और आम्रपाली दुबे ने मंच से अनाउंस किया जुहू पर कि हम कोई अश्लील गीत नहीं गाएंगे, अश्लीलता। ये अभियान इतनी तेज़ी से पिकअप कर रहा है, इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, ये जन चेतना का अभियान बन रहा है। और तिवारी जी, दुबे जी और श्रीवास्तव जी, सचमुच पूर्वांचल का समाज आपका आभारी है कि आपने इसका समर्थन दिया है। सोमा जी तो सरस्वती की मूर्ति हैं, दिव्य मूर्ति हैं, इन्होंने जिस तरह समर्थन किया है, 28 जुलाई की पहली मीटिंग से सोमा जी इस आंदोलन के साथ हैं और सोमा जी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनना स्वीकार किया। हम सब आपके ऋणी हैं सोमा जी, बहुत आभार।